हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले क्लोज टेस्ट, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मेरे पास रेगुलर मैसेज आते हैं बच्चों के कि मैम क्लोज टेस्ट हमारी एक कह सकते हो कि आप वीकनेस बन चुका है, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन इनकरेक्ट होते हैं तो क्लोज टेस्ट में होते हैं। और ये आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ इशू है भी, ये वाली प्रॉब्लम है भी। अब प्रॉब्लम क्या है कि क्लोज टेस्ट से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी आपकी कमजोरी है उसको स्ट्रेंथ बनाने के लिए उस पर थोड़ा सा काम करना है। काम क्या करना है आपको, रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ एसएससी बुलेट पे क्लास लेनी है क्लोज टेस्ट की, जिसके अंदर मैं आपको वो सारे एग्जाम्स में जो पूछे गए क्लोज टेस्ट है वो इसलिए करा रही हूँ आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया लग पाए कि एग्जाम में किस तरह का क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में आता है। देखो दूसरा ये क्या है कि क्लोज टेस्ट एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप कोई भी एग्जाम उठाओ एसएससी का, चाहे आप सीजीएल उठाओ, सीपीओ उठाओ, स्टेनो उठाओ, सीएचएसएल, एमटीएस, हर एग्जाम के अंदर क्लोज टेस्ट जरूर पूछा जाता है। फॉर्मेशन सेम होती है, एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है ब्लैंक फॉर्म में, आपको उस इनकम्प्लीट पैराग्राफ को कंप्लीट करना होता है जिस ब्लैंक के लिए नीचे फोर फोर ऑप्शन आपको गिवन होते हैं। आपने उन गिवन ऑप्शन की हेल्प से उस इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करना है, किस तरह से कंप्लीट करना है वो अब हम सीखेंगे क्लोज टेस्ट। आज की जो क्लास है वो सीपीओ जो 3 अक्टूबर 2023 में हुआ था पेपर आपका सीपीओ प्री का, उसी के क्लोज टेस्ट को मैं डिस्कस करूंगी, तीनों शिफ्ट के क्लोज टेस्ट को। फर्स्ट क्लोज टेस्ट आता है साउथ कोरिया इज द मोस्ट कॉस्मेटिकली डैश कंट्री ऑन अर्थ। अब आपको देखना है कि इस फर्स्ट प्लान के लिए क्या हम किस ऑप्शन को फिल करेंगे और इस इनकम्प्लीट जो आपका सेंटेंस है उसको कंप्लीट करेंगे। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे इस जो दे रखा है बच्चों ये किसके बारे में बताता है, प्रेजेंट केस के बारे में बताता है। ठीक है, किसके बारे में बताता है, प्रेजेंट के बारे में बताता है। अगर मैं यहाँ पे एंशियंट की बात करूं तो एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन काल, भाई एंशियंट टाइम का मतलब किससे है, प्राचीन से रिलेटेड है, यानी कि जो समय बीत चुका है। अगर मैं प्रिमेटिव की बात करूं तो इसका मतलब भी प्राचीन होता है, इसका मतलब भी क्या होता है बच्चों, प्राचीन, यानी कि जो चीज हो गई है। ठीक है, अगर मैं अर्ली की बात करूं, अर्ली एज मतलब पहले वाली एज की बात हो रही है। अब यहां पर हमें क्या दे रखा है बच्चों, इस किसको बता रहा है, प्रेजेंट को। हमें तीन ऑप्शन कैसे दे रखे, पास्ट केस के बारे में बता रहे हैं, भाई एंशियंट जो बीत गया कल है, यानी कि एंशियंट प्राचीन समय है, प्रिमेटिव भी वही सेम है, अर्ली के भी वही केस है। तो यहां पर अब एक ऑप्शन बचता है दैट इज एडवांस, तो जो ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग टू टेंस है आप उसको एक लगा देंगे ऑप्शन में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं ना एंशियंट को भी, प्रिमिटिव को भी, और उसके साथ साथ हम अर्ली को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो एक ही ऑप्शन बचा है हमारा एडवांस, तो एडवांस इज द करेक्ट। इतना समझ आ गया, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ, हर एक चीज आपको क्लियर कराऊंगी, आप बस उसके लिए रेगुलर क्लासेस लेते रहना आप बच्चे। नेक्स्ट आते हैं सेकंड ब्लैंक की बात करें, उसने बोला है कि ब्यूटी एडिटर्स एस्टिमेट दैट इट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स हैवी इन्वेस्टमेंट, ऐसा उनका अनुमान है, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया है, ब्यूटी जो ब्यूटी एडिटर्स हैं उन्होंने इस तरह का अनुमान लगाया है कि ये सब क्यों है, ये सब क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, उसी के ये कारण है। अब पॉइंट आता है ऑफ द आएगा, बाय द आएगा, इन द आएगा, या फिर फ्रॉम द आएगा। अब गवर्नमेंट ने हैवी इन्वेस्टमेंट किस में किया है, तो गवर्नमेंट में हैवी इन्वेस्टमेंट किया है इंडस्ट्री में, किसमें किया, इंडस्ट्री में। अब पॉइंट आता है किस प्रपोजिशन को हम यूज करेंगे इंडस्ट्री के साथ। अब देखो बच्चों बाय का यूज होता है जब आप किसी भी परफॉर्मर की बात करते हो वहां यूज होगा, ठीक है, या फिर आपका जैसे आप पेमेंट करते हो उसका कोई मेथड होता है, जैसे आपने बाय चेक दिया, बाय कैश दिया, बाय बैंक ड्राफ्ट दिया, तो वहां पर हम मेथड्स के लिए यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, है ना, आप इंस्टीट्यूट आते हो, आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, किससे जाते हो, बस से जाते हो, बाय बस आता है ना, बाय स्कूटी जा रहे हो, बाय एक्टिवा जा रहे हो, तो जहां ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाती है वहां यूज किया जाता है। किस वे से जा रहे हो, आप रोड से जा रहे हो, बाय एयर जा रहे हो, है ना, तो वहां यूज करेंगे। अगर मैं फ्रॉम की बात करूं, फ्रॉम का मतलब किसी चीज से हटने की बात हो रही है, वहां पर यूज होता है।
लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बात हो रही है, तो जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है किस में कर रही है, इंडस्ट्री में कर रही है, तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों, इन, क्या लगाएंगे इन, हम इन द इंडस्ट्री का यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को, हर एक पॉइंट को सीखते चलेंगे आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखो जरा, थर्ड ब्लैंक के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इट इज अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर एंड इट्स सिटीजन, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा उससे आगे है, किसे, कॉम्पिटिटर और सिटीजन, डैश ट्वाइस एज मच एज स्किन केयर प्रोडक्ट्स एज कंज्यूमर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अ पॉइंट आता है, स्पेंड आएगा, चेरिश आएगा, कंप्लाई आएगा या प्रोपगेट आएगा। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, और चेरिश मतलब होता है चीयर्स करते हो ना, जब आप बहुत ज्यादा क्या होते हो, खुश होते हो, यानी कि किसी भी चीज, जब कोई चीज आपको अच्छी लगती है, यानी कि किसी भी चीज का अच्छा लगना, वहां पर हम लोग यूज करते हैं। कंप्लाई वर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज का अनुपालन करना, किसी भी चीज का अनुपालन करना, ठीक है। एंड प्रोपोगेट का मतलब होता है कि बोलते हैं ना, आपका प्रोपोगेंडा क्या है, क्या एडवर्टीजमेंट का स्रोत है, सोर्स क्या है, किस चीज का एडवर्टीजमेंट, किस तरह से आप एड कर रहे हो, आप किस तरह से एड कर रहे हो, यानी कि प्रचार प्रसार किस तरह से किया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति आपको जाने। तो यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है। अब इन्वेस्टमेंट किसमें किया, इंडस्ट्री में किया है, और वही तो इंडस्ट्री का जो इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड कौन सा वर्ड हुआ, क्या ये अच्छा लग रहा है हमें, क्या इसमें अनुपालन किया जा रहा है, प्रचार किया या खर्च किया जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, दैट इज स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, पैसा खर्च कर रहे हो, समय खर्च कर रहे हो, दैट इज स्पेंड। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ ब्लैंक के बच्चों बात करें, उसने बोला है कि यूनाइटेड स्टेट, अब देखो किस तरह के कंज्यूमर्स की बात हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके एंड फ्रांस। अब उसने बोला है कि जो कोरियन शॉपर्स हैं आर डैश, कोरियन शॉपर्स आर डैश द वर्ल्ड्स मोस्ट डिस्कर्निंग। अब वो क्या है, परहेप्स का मतलब होता है शायद, ठीक है, ऑल्दो मतलब होता है यद्यपि, और दो मतलब भी यद्यपि होता है, और मे का यूज भी होता है जहां आप चीजों को लेकर डिसाइडेड नहीं होते हैं, यानी कि शायद वाला ही केस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब पॉइंट क्या आता है, हमें ये तो क्लियर है ऑल दो और दो नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों का मतलब होता है यद्यपि, और ये वहां पर आते हैं बच्चों जहां पर हम इनके साथ कॉमा या फिर येट का यूज करेंगे, तो ये ऑल दो और दो का यूज होता है, ठीक है। तो अब यहां पर पॉइंट आता है कि इसका मतलब भी शायद है मे बी का, और परहेप्स का मतलब भी शायद है, जहां हम चीजों को लेकर पूरी तरह से डिसाइडेड नहीं है, हमें नहीं पता कि होगा या फिर नहीं होगा। तो अब पॉइंट आता है, हम मे बी क्यों नहीं लिख सकते, मैं इस ऑप्शन को क्यों कट कर रही हूं, उसका रीजन है क्योंकि बच्चों आर आ गया, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या हम मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये जितने भी मोडल्स होते हैं, जितने भी ये मॉडल वर्ब्स होती हैं, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती हैं, यानी कि हम इनका यूज हेल्पिंग वर्ब के जैसे ही करते हैं, जैसे हेल्पिंग कभी मेन वर्ब के बिना नहीं आती, ऐसे ही ये मॉडल्स भी मेन वर्ब के बिना यूज नहीं किए जाते, तो इसीलिए हम आर के साथ मे बी का यूज नहीं कर सकते। अब बचता कौन सा ऑप्शन है, दैट इज परहैप्स, तो इट मींस इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, शायद। अब उनको क्लियर नहीं है ना कि वो ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब फिफ्थ ब्लैंक के लिए चेक करना आपको क्या ऑप्शन में होगा। उसने बोला है 8 out of 10 कोरियन विमेन इन देयर 20s and 30s यूज एन ऐप। उसने बोला है कि लगभग 10 में से 8 ऐसी हैं कोरियन विमेन जो यूज करती हैं, 20 और 30 के उसमें इस ऐप को यूज करती हैं, ऐप को यूज करती हैं, दैट डैश लाइक अ कॉस्मेटिक स्पेसिफिक टू डिपेट द मैरिट्स ऑफ वेरियस कॉमन इंग्रेडिएंट। मैरिट्स होता है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं उस काम का हमें क्या लाभ है, एक होते हैं मैरिट और एक होते हैं डिमेरिट, उसके लाभ क्या है, उसकी हानियां क्या है, तो सेम केस यहाँ पर है, उसी पर उसके क्या चल रहा है, डिबेट चल रहा है, बहस चल रही है उसके वेरियस कॉमन इंग्रेडिएंट्स को लेकर। अब डिसॉल्व की मैं बात करूं यहां पर,
तो डिसॉल्व का मतलब होता है जब कोई चीज आपकी भंग हो रही है, किसी भी चीज को भंग करना, ठीक है, भंग करना किसी भी चीज को। स्टॉप का मतलब होता है रोकना। अब एक होता है फंक्शन और एक होता है मालफंक्शन। फंक्शन मतलब जब कोई चीज अच्छे से चल रही है, परफॉर्म अच्छा सा कर रही है, भाई फंक्शंस में क्या होता है, हम लोग अच्छे से परफॉर्म करते हैं, और अगर कोई चीज परफॉर्म नहीं कर पा रही है, चल नहीं पा रही है, तो वो क्यों नहीं चल पा रही होगी, वो मालफंक्शंस की वजह से, यानी कि खराबी, किसी भी चीज में खराबी जब आ जाती है वहां पर हम लोग यूज करते हैं दैट इज खराबी के लिए, ठीक है। तो जब कोई चीज फंक्शन नहीं कर रही है तो वो कैसी होगी, मालफंक्शंस होगी। अब यहां पर वो यूज कर रही है, तो यूज कर रही है तो उसको रोक तो नहीं सकते, भंग भी नहीं कर सकते उसको, और खराबी भी नहीं है। क्यों यूज करे, क्योंकि वो चल रहा होगा, ऐप फंक्शन कर रहा होगा, इसीलिए तो वो यूज करती है। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या आंसर ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, फंक्शन। बुलवाया समझ किस तरह से क्लोज टेस्ट को आपको करना है। ये सब मैं आपको एक एक ऑप्शन को इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको समझ आ पाए कि आप एग्जाम्स में भी किस तरह से एलिमिनेट करते हुए चलेंगे, और एक एक पॉइंट को देखते हुए चलना है। आप ये कभी मत सोचना कि मैं सिर्फ ऑप्शन पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और क्लोज टेस्ट मैं कर लूंगा या कर लूंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके लिए आपको डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और देखेंगे जरा। एनदर ओल्ड केव इज डिस्कवर्ड इन द साउथ ऑफ फ्रांस, यानी कि एक और जो पुरानी गुफा है उसको कहीं ना कहीं डिस्कवर्ड किया गया, खोजा गया है, कहां पर, फ्रांस के साउथ में। इट इज नॉट डैश इन न्यूज, अब ये न्यूज में नहीं है। सेलेक्ट करना है आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फर्स्ट ब्लैंक के लिए। सुटेबल का मतलब होता है जो चीज आपके काम की है, यानी कि आप कर पा रहे हो उस चीज को, तो वहां पर सुटेबल वर्ड का यूज होता है। नियर, नजदीकी की बात की जाए वहां यूज होता है। और मैरली को आप मैरी क्रिसमस से याद कर सकते हो, बोलते ना मैरी क्रिसमस, यानी कि जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, खुशी के साथ किसी चीज को करते हो, दैट इज मैरी। इसका मतलब होता है खुशी से, जब आप बहुत ज्यादा हैप्पी होके किसी भी चीज को करने का काम करते हो, ठीक है। अब आता है यूजुअली। अब देखो वहां पर न्यूज में नहीं है, इज अगेन प्रेजेंट को बताता है ना, और प्रेजेंट का मतलब जो चीजें रूटीन में है, तो इस तरह की चीजें हमारे न्यूज में नहीं है, यूजुअली नहीं होती, तो दैट इज यूजुअली इज द करेक्ट वर्ड, यानी कि जहां पे भी रूटीन की बात करेंगे वहां पर हम यूजुअली वर्ड को यूज करेंगे। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अब आपको चेक करना है सेकेंड ब्लैंक के लिए आप क्या यूज करेंगे। अब उसने बोला रादर इट इज ऑर्डिनरी इवेंट, सच डिस्कवरीज आर सो डैश दीज डेज दैट हार्डली एनीबडी पेज हीड टू देम, मतलब आजकल ये न्यूज इतनी ज्यादा हो चुकी है ना, और हार्डली एनीबडी कोई मतलब उस चीज को देखता भी है। अब डिसऑर्डरली आएगा, फ्रिक्वेंट आएगा, या फिर हम यूज करेंगे डिल्यूजन की। अब आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, भ्रम का शिकार हो जाते हैं, कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, भ्रम का शिकार हो जाते हैं, और जैसे ही हम भ्रम का शिकार होते हैं तो वहां पे हम डिल्यूजन वर्ड को यूज करते हैं, यानी कि जहां पर हम कहीं ना कहीं भ्रम में रहते हैं, एक तरह से हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, तो भ्रम का शिकार होना, भ्रम का शिकार होना। डिसऑर्डर, जब कोई चीज अव्यवस्थित तरीके से पड़ी हुई है, जब कोई चीज अव्यवस्थित तरीके से पड़ी हुई है वो कैसी हो जाएगी, डिसऑर्डरली हो जाएगी। कॉस्ट पढ़ते हो ना, जो भूत होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत भयंकर, कैसे मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा भयंकर है, टेरिबल है ना, जो बड़ी ही खतरनाक, डेंजरस, पारल भी बोलते हैं इसको, है ना, खतरनाक होती है, डेंजर होती है। तो इस तरह की न्यूज कभी कभार, यानी कि फ्रिक्वेंट की बात करें, फ्रिक्वेंट इज द करेक्ट। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो जरा, थर्ड ब्लैंक के लिए आप क्या यूज करेंगे। उसने बोला हावर इस प्रकार व्हेन द केव कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड इन 1940, जब उसको कहीं ना कहीं खोजा गया था किसमें, 1940 में, द वर्ल्ड वाज डैश, वर्ल्ड क्या था, बेफल्ड था, ओवरथ्रोन था, एनकरेज्ड था, या फिर क्रश्ड था। बेफल का मतलब होता है कि जब आप किसी को
कहीं भी बीट करने का काम कर रहे हो। बीट समझते हो ना, किसी को हराना यानी कि मात देना, किसी को भी हराना या मात देना किसी को भी। थ्रो का मतलब होता है कहीं ना कहीं फेंकना, और ओवरथ्रोन मतलब आपने उसको निकाल फेंका है, इट मीन्स अगेन आपने उसको हराने का काम किया है, यानी कि इसको भी हम डिफीट ही बोलते हैं। ठीक है, इसको भी हम डिफीट यानी कि हराना ही बोलते हैं। अगर मैं एनकरेज की बात करूं तो जैसे आपको हमेशा किया जाता है, हर टीचर आपको एनकरेज करता है, मैं आप हमेशा बोलती हूँ कि आप बच्चे नहीं निकाल सकते एग्जाम, तो कौन बच्चा निकालेगा। ठीक है, तो हमेशा मोटिवेट करने का काम करना, ठीक है, कि आप काम को करते रहें। ठीक है, वो जो एक पॉजिटिव होता है ना, हमारे अंदर पॉजिटिवनेस होती है, वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, कि हमें ऐसा हमेशा लगना चाहिए कि हम चीजों को कर सकते हैं। क्रश का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को कुचलने का काम करो, कुचलना, कुचलना। ठीक है, जब आप किसी भी चीज को कुचलने का काम कर रहे हो तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं क्रश वर्ड। अब आप देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि उसको डिस्कवर किया गया था 1940 में, डिस्कवर 1940 में किया गया था, तो कहीं ना कहीं द वर्ल्ड वॉज उस टाइम पे वर्ल्ड कैसा था, दैट इज बैकवर्ड, कहीं ना कहीं मात देने की बात की जा रही है। नेक्स्ट आते हैं, अब उसने बोला है कि नेक्स्ट में कि जो पेंटेड है, यानी कि जो पेंटेड है, पेंटेड क्या है, यहां पर पेंटेड डायरेक्टली ऑन इट्स वॉल फॉर हंड्रेड ऑफ सीन्स शोइंग हाउ पीपल लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। जो पेंटिंग दीवारों पर है वो ये सब बताती है कि लगभग 100 सालों, हजारों साल पहले किस तरह से, ठीक है, लोग रहते थे। वो पेंटिंग दीवारों पर लगी हुई इस चीज को बताती है कि लोग किस तरह से रहते थे हजारों साल पहले। द सीन्स शो पीपल हंटिंग एनिमल्स, कि लोग शिकार करते थे जानवरों का, सच एज बिजन और वाइल्ड कैट, इनका जो जंगली जानवर होते थे, बिल्लियां होती थी, उनका शिकार करते थे। अदर इमेजेस डैश वर्ड्स एंड मोस्ट नोटिस एवरी हॉर्सेस विच अपीयर इन मोर देन 300 वॉल इमेजेस। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पर अदर इमेजेस डैश वर्ड ये सब चीजों के बारे में बताने का काम कर रही है वो पेंटिंग जो दीवारों पर लगी हुई है, कि लोग किस तरह से जानवरों का शिकार करते थे, किस तरह का जीवन जीते थे हजारों साल पहले। अब यहां पर पॉइंट आता है कि आप इम्प्रिंट का यूज करेंगे या फिर डिपिक्ट का यूज करेंगे, रिक्वायर या फिर डिटरमाइन। हमने संकल्प ले लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है कि जब तक मुझे एसएससी में नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा या नहीं हटूंगी, ऐसा तो आपने डिटरमाइन कर लिया है। ठीक है, दृढ़ निश्चय ले लिया है। अब यहाँ पे रिक्वायर होता है, अब अगर आपको वो एम में सक्सेसफुल होना है तो उसकी जरूरत है कि आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम देते रहना है, तो ये सब उसकी जरूरतें हैं आपको एग्जाम को क्लियर करने की। अब आता है इम्प्रिंट का मतलब होता है जब कोई चीज की छाप होती है, प्रिंट में पड़ा, जैसे प्रिंट निकलवाते हो ना, प्रिंट में क्या होता है, छपकर आ जाता है, तो इम्प्रिंट का मतलब होता है एक छाप, जो छप गई चीजें तो छाप बन गई वो, कि वो वहीं पर रहेगी। अगर हम बात करें डिपिक, डिपिक का मतलब होता है कि जो आपकी पिक्चर डिस्क्राइब करती है, तो आप डिपिक को इस तरह से चेक याद कर सकते हो कि जो आपकी पिक्चर डिस्क्राइब करती है, दैट इज डिपिक। डिपिक का मतलब होता है किसी भी चीज का वर्णन करना, किसी भी चीज का वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। जब भी आप वर्णन करने की बात करो, अगर किसी भी चीज के वर्णन करने की बात करते हो तो वहां पर आप यूज करेंगे वर्णन करना किसी भी चीज का। तो यहां पर वो जो पेंटिंग्स है दीवारों पर लगी हुई, वो क्या कर रही है, डिस्क्राइब ही तो कर रही है, वर्णन ही तो करने का काम कर रही है कि किस तरह से लोग जीवन जी रहे थे हजारों साल पहले वहां पे, और किस तरह से वो शिकार करते थे जंगली जानवरों का, जंगली बिल्लियों का। तो यहाँ पर वो पेंटिंग्स क्या कर रही है, डिपिक्ट कर रही है, वर्णन कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है, तो वो सीन्स वगैरह जो है, वो इमेजेस जो है, वो कहीं ना कहीं वर्णन कर रही है आपके बर्ड्स के बारे में और तो हॉर्सेस के बारे में, विच अपियर इन मोर दैन 300 वॉल इमेजेस, जो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं लगभग 300 वॉल्स पे। ठीक है,
लगभग 300 दीवारों की बात की जा रही है, बाय फार डैश ऑल अदर एनिमल्स। अब आउट नंबरिंग आएगा, आउटसोर्सिंग आएगा, आउट लास्टिंग आएगा, आउटरीचिंग आएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर कि हम बात कर रहे हैं कि वहां पर वो वर्णन कर रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं किस चीज को लेकर, तो जब एक्सप्लेन कर रहे हैं कितने 300 वॉल्स इमेजेस की बात हो रही है, तो 300 का मतलब नंबर से हो गया, तो आप यहां पर लगा सकते हो कि इट इज अ केस ऑफ आउट नंबरिंग, नंबर्स की बात हो रही है, तो आउट नंबरिंग इज द करेक्ट। इतना क्लियर हो गया, चलेगा नेक्स्ट आते हैं, एक और देखेंगे, ठीक है। शिफ्ट थर्ड का भी क्लोज टेस्ट, देखो मैं आपको रेगुलर क्लोज टेस्ट अभी रेगुलर जो करा रही हूँ, अभी लेटेस्ट एग्जाम्स के जो भी 23 में अभी हुए हैं, रिसेंटली जितने पेपर्स हुए हैं उन सभी के मैं आपको क्लोज टेस्ट कराऊंगी। उससे आपको एक तो आइडिया लग जाएगा भाई करंट में किस तरह का क्लोज टेस्ट एग्जामिनर पूछ रहा है, क्या स्टोरी बेस्ड पूछ रहा है, एक राजा होता था उसके 4 बेटे होते थे, इस तरह की स्टोरी आ रही है या फिर करंट टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है, एक तो आइडिया लग जाएगा, दूसरा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तीसरा आपको करने का तरीका पता चल जाएगा। तो अगर तीनों चीजें हो जाएंगी तो आपकी वीकनेस जो है वो स्ट्रेंथ में बदलने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। उसके लिए आप बच्चे रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहे एसएससी बुलेट पे। नेक्स्ट आते हैं, दी अमेज़न रेनफॉरेस्ट इज एन ऑ इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर दैट डैश अक्रॉस सेवरल साउथ अमेरिकन कंट्रीज। अब यहाँ पर रीचेज आएगा, लेंथ आएगा, अमाउंट आएगा या फिर स्पैंस आएगा। अगर मैं यहाँ पे स्पैंस की बात करूं तो जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का विस्तार करना, जिसका मतलब होता है कि आप किसी भी चीज के विस्तार करने की बात कर। रीच का मतलब पहुंचना होता है, लेंथ का मतलब लंबाई से होता है, अमाउंट होता है जो किसी भी काम को यूज करने के लिए किया जाता है। अब उसने बोल रहा है कि यहाँ पर रेन फॉरेस्ट की बात की जा रही है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक नेचुरल आश्चर्य सा है, क्यों है, अक्रॉस सेवरल साउथ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर वो है, तो यानी कि उसका विस्तार हो रखा है, फैला हो रखा है, फैला हुआ है। तो फैलने का मतलब कहीं ना कहीं, फैलने का मतलब यहाँ पर रीच से तो होगा नहीं, ना लेंथ से होगा, ना अमाउंट से होगा, तो बचता क्या, दैट इज स्पैंस। स्पैंस का मतलब होता है विस्तार करना किसी भी चीज का, ठीक है। तो विस्तार की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लैंग में क्या लगाएंगे, हम लोग स्पैंस वर्ड को यूज करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड लैंग की बात करें बच्चों। अब उसके बाद साउथ अमेरिकन कंट्रीज कौन कौन सी है, उन सब के बारे में बता दिया गया, ब्राजील है, पेरू है, कोलंबिया है ना, वो कवरिंग एंड डैश एरिया ऑफ 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब आ गया ना विस्तार, वही विस्तार हम ऊपर फिल कर आए हैं स्पेंस को, है ना। अब किस कितना कवर कर रही है, लगभग 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को कवर करने की बात की जा रही है, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा, गॉज आएगा, रेटेड आएगा, एस्टिमेटेड आएगा, ये एवेल्युएटेड है। एस्टिमेट होता है कि एक एस्टिमेशन लगा लेते, एक अनुमान लगा लेते, इतना हो सकता है ना। और रेट भी वो सेम चीज है, दर की बात की जाती है, जहां पर आप दर की बात करोगे वहां पर आप यूज करोगे। गॉज की बात करें तो गॉज का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को नापने की बात करते हो, किसी भी चीज को नापना, जब आप किसी भी चीज को नापने की बात करते हो तो वहां पर आप गॉज वर्ड को यूज करते हो। अब देखो यहाँ पर हम एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं, और जहां पर हम एरिया की बात करेंगे तो अब उसने बोला है कि वो क्यों है वहां पर एरिया लगभग 5.5 मिलियन स्क्वायर मीटर और ये लार्जेस्ट भी माना गया है, तो ऐसा उस एरिया को हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, तो ये एस्टिमेटेड एरिया ही तो है, कहीं ना कहीं आंका गया है, कहीं ना कहीं इसका आंकलन ही तो किया गया, तो आंका गया एरिया है जो 5.5 मिलियन है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड ब्लैंक के लिए, देखो जरा चेक करो क्या होगा। अब उसने बोला है कि जो अमेजोन जंगल है इज डैश फॉर इट्स रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी हैविंग एन एस्टॉनिशिंग एरे ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज दैट आर स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड एंड स्टडीड। कहीं ना कहीं ये सब जो उसकी प्रजातियां हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इन सभी को कहीं ना कहीं अभी भी डिस्कवर्ड किया जा रहा है और इनके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा भी जा रहा है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्रेट का यूज करेंगे, एक्लेम का यूज करेंगे या फिर रिनाउंड या फिर प्री एमिनेंट का यूज करेंगे। ग्रेट महान होता है,
एक्लेम का मतलब होता है जब आपके जय जयकार किया जाता है, वहां पर हम लोग यूज करते हैं। हम रिनाउंड पर्सनैलिटीज की बात करें जो बहुत ज्यादा फेमस होती हैं, जिसको प्रसिद्ध भी बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रसिद्ध भी बोलते हो। और प्री एमिनेंट की बात करें, अगर मैं प्री एमिनेंट की बात करूं तो प्री एमिनेंट का मतलब होता है कि जो, अब देखो एमिनेंट साइंटिस्ट यानी कि जो बहुत ज्यादा फेमस है ना, जो बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। तो प्री एमिनेंट का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप विशेष की बात कर रहे हो, उसी विशेष को आप स्पेशल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेशल। तो यहाँ पर अब जंगल की बात की जा रही है जो रिमार्केबल है। अब रिमार्केबल परफॉर्म, जैसे आप बोलते हैं ना कि अप टू द मार्क जो चीज है, तो ऐसी चीजें हमेशा क्या होती हैं, फेमस होती हैं। क्या होती हैं? फेमस। दैट इज रिनाउंड। क्या आएगा? रिनाउंड। रिनाउंड इज द करेक्ट। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें, फोर्थ ब्लैंक के लिए आपको चेक करना है क्या यूज होगा। उसने बोला जो डेंस वेजिटेशन है जंगल की, वो कहीं ना कहीं क्या, किस तरह की चीजों को बनाने का काम कर रही है। अब वाइब्रेट होता है, फोन वाइब्रेट होता है पूरी तरह से जब हिल रहा होता है, तो वाइब्रेंट का मतलब होता है जो लोग बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, जोशीले टाइप के लोग होते हैं, उनके लिए यूज होता है। एंड विगो की बात करें, इसका मतलब भी ताकत से होता है, पावर से होता है, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा पावर में होता है। ठीक है, स्पिरिट आप किसी भी काम को करने की जो आपके अंदर है। और लेविश जो लोग खर्चीले टाइप के होते हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, जिनको हर चीज में क्या चाहिए, हर चीज ऐशो आराम वाली चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लोग लेविश होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि आप किसका यूज करोगे। तो अब यहाँ पर वेजिटेशन की बात की जा रही है जो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है ना, और कॉम्प्लेक्स यानी कि जो चीज जटिल होती है। तो जटिल से पहले हम क्या यहाँ पर विभाग का यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल में है, स्पिरिट का आएगा, लेविश खर्चीला आएगा, दैट इज वाइब्रेंट। कैसा आएगा? वाइब्रेंट, जो जोशीले चीजों की बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जो हिला रहा है चीजों को। लास्ट ऑप्शन में देखो जरा क्या होगा। अब उसने बोला है कि एक क्रूशियल इकोसिस्टम की बात हो रही है, जो कहीं ना कहीं जैसे कार्बन की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, इट इज ऑल्सो होम टू डैश कम्युनिटीज दैट हैव थ्राइव्ड विद इट्स रिच कन्फाइंस फॉर सेंचुरीज, प्रिजर्विंग देयर ट्रेडिशन एंड डीप कनेक्शन टू द लैंड। अब यहाँ पर कम्युनिटीज की बात हो रही है, कम्युनिटीज कौन सी होंगी, लेट होंगी, एंशियंट होंगी, या फिर ऑर्गेनिक होंगी, किस तरह की कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कम्युनिटीज ऑर्गेनिक होंगी, नहीं, एंशियंट होंगी, नहीं, लेट होंगी। यानी कि जैसे आप इसको इंडिया से याद कर सकते हो, हम इंडिया में रहते हैं, यानी कि स्वदेशी, इंडिजिनस का मतलब होता है जो लोग स्वदेशी, स्वदेशी की बात की जाती है, वहां पर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो स्वदेशी के लिए हम लोग यूज करते हैं, आप इसको इंडिया से याद कर सकते हो। ठीक है, तो उसी देश से रहने वाले, तो दैट इज स्वदेशी इज द करेक्ट। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। बाकी आप बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते रहे एसएससी बुलेट पे। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले। बाकी एक 10 बजे क्लास होती है आपकी वोकैब की, आप उस वोकैब की क्लास को जरूर ले, उससे आपका वोकैब पार्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ आप बच्चे रेगुलर बेसिस पे, जिन स्टूडेंट ने टारगेट कर रखा है एमटीएस 2024, वो 315 पर एमटीएस की क्लास को ले, रेगुलर चलती है। बाकी डेली बेसिस पे एक गोल्डन रूल की क्लास आपको मिलती है, आप बच्चे अपना ग्रामर पार्ट वहां से अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को तीन चीज देती है, एक तो ग्रामर, वोकैब और प्रैक्टिस पार्ट यानी कि क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन। तो ये तीनों चीजों का सॉल्यूशन आपको एसएससी बुलेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट से दिया जाता है। तो आप बच्चे बस इतना दो कर सकते हो, क्लासेस ले सकते हो। क्लासेस अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो आप बच्चे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट।